हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। आज मैं एक नए रूल की बात करूंगा। आप भी कहते हो कि यार क्या क्या रूल लेके आ जाता है, बट ये आपके फायदे के लिए है। इससे पता चलता है कि आपका पैसा डबल, ट्रिपल और फोर टाइम्स कितने दिनों में और कितने टाइम में होता है। तो मैं आज एक नया रूल लेके आया हूँ, 144। तो मैंने सबसे पहला रूल लेके आया था 72, जो कि हमें ये बताता है कि आपका पैसा डबल कितने टाइम में हो जाता है। दूसरा मैं लेके आया था 114, ये बताता है हमें कि आपका पैसा 3 गुना कितने टाइम में हो जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो ये दो रूल हैं हमारे सिर्फ डबल और ट्रिपल का बताते हैं, लेकिन आज मैं जो लेके आया हूँ 144 रूल नंबर, जो हमें ये बताता है कि 4 गुना पैसा कितने टाइम में हो जाएगा हमारा। तो 144 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई नो आपको पता है। देख लेते हैं यार, एक बार समझ लेते हैं क्या हो गया, गुस्सा मत हो। 144 डिवाइड बाय 7%, तो 20 साल 5 महीने में आपका पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ट्रिपल। फोर टाइम्स आपका पैसा 20 साल 5 महीने में हो जाएगा। 144 अगर हमें 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा पैसा 18 साल में 4 गुना हो जाएगा। और अगर हमें 10% रिटर्न मिलता है, तो हमारा पैसा 14 साल 4 महीने में 4 गुना हो जाएगा। और लास्ट में आता है, टॉपिक छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट एक मेरे को रूल की बात करनी थी सिर्फ ये। और लास्ट में एक आपसे क्विज कॉन्टेस्ट है, जिसमें आपसे पूछूंगा, मुझे वो रिप्लाई करोगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो, चलो कोई नहीं, पहले ये मेरा टॉपिक पूरा हो जाए फिर बताता हूँ। 144 डिवाइडेड बाय, अगर हमें 12% मिलता है, जैसे कि मैंने आपको एनपीएस का एग्जांपल दिया था, उसमें 11 से 12% तक रिटर्न जाता है, ज्यादा जाता है, लेकिन मैंने कम ही लिया है, 11% पे कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन वो कैलकुलेशन मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बैलेंस है पता है मुझे, मेरे को बतानी है आपको कैलकुलेशन। ठीक है, तो 12 साल में हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा 144 के रूल से। तो आई होप, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा थंब रूल है ये। तीन तो हमारे जो रूल हैं, हमारा पैसा ग्रो डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स कितने टाइम में होगा, ये आपको समझ आ गया होगा इन सब रूल से। लेकिन मैंने जो क्विज कॉन्टेस्ट आपके लिए रखा है, इसमें ट्रेड फेयर की 2 टिकट्स उसको मिलेंगी, जो मुझे बताएगा कि हमारा पैसा आज का 1 लाख आने वाले सालों में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कौन सा रूल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो मुझे रिप्लाई करेगा कमेंट्स में, तो उसको मैं कपल टिकट्स अलोंग विद द उनके चिल्ड्रन भी होंगे, उनकी भी टिकट्स गिव अवे करूंगा, जो मुझे ये बताएगा कि मेरा नेक्स्ट रूल क्या होगा। जो 1 लाख आज का है, मान लो आज का 5 लाख है, वो आने वाले सालों में, मान लो 10 साल या 20 साल में, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, उस रूल को लगा के हम ये पता कर सकते हैं। तो वो कौन सा रूल है, सिर्फ आपको वो रूल बताना है जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपका पैसा बढ़ेगा वो कितने टाइम में बढ़ेगा, लेकिन गिरेगा भी तो सही। उस गिरे जो पैसा हमारा डाउन होगा, मान लो आज हमारा 100 रुपए का पेट्रोल है, आने वाले 10 साल में वो 100 का तो नहीं रहेगा, तो वो हमारा कम से कम तो 200 रुपए का हो जाएगा, या 180 रुपए का हो जाएगा, या 150 रुपए का हो जाएगा लीटर। तो इससे हमें आज वाले 1 लाख का हमारे पास पड़ा है, तो हमारे पैसे की वैल्यू भी तो गिर रही है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सा फार्मूला है और वो कौन सा रूल है। बढ़ने के तो मैंने आपको बता दिए, तो गिरने का भी मुझे बताना कि हमारे पैसे की जो डाउन होती है वैल्यू, उस किस फॉर्मूले से होती है, वो कौन सा है रूल हमारा, वो कौन सा फॉर्मूला है, जो ये मुझे कमेंट में बता देगा। इसके कमेंट, मेरे कमेंट वैसे भी खुले होते हैं सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए, और कल का पूरा दिन मेरा वो कमेंट सेशन खुला रहेगा। तो मैं वेट करूंगा, जिसने सही आंसर दिया उसको कपल टिकट्स मिलेंगी, जो दशहरा ग्राउंड में लगा हुआ है ट्रेड फेयर, कपल टिकट मिलेगी। तो गाइस, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करो और बताओ कि अगला मेरा टॉपिक किस पे होने वाला है, और रूल नंबर क्या है वो।
ये तीन तो थे हमारे पैसे बढ़ने के, और कम होने का क्या है वो आपको बताना है। मैं कमेंट्स का वेट करूंगा कल का दिन, तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो, लाइक करो, लाइक जरूर करना यार, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आपका दोस्त दीपक, थैंक यू सो मच गाइस।